युवराज सिंह बोले, अब ये गेंदबाज 150 की स्पीड से गेंद फेंकेगा तो नहीं खेल पाऊंगा। नमस्कार। बुश फायर क्रिकेट बैश चैरिटी मैच को लेकर हर कोई बेहद उत्सुक है। ये मैच रिकी पॉन्टिंग प्लेइंग और एडम गिलक्रिस्ट प्लेइंग 11 के बीच 9 फरवरी को होगा। संन्यास ले चुके दिग्गज खिलाड़ी इस मैच का हिस्सा होंगे। ये मैच ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से प्रभावित हुए पीड़ितों की मदद के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। मेलबर्न में होने वाले मैच को लेकर उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान अपना एक डर भी फैंस के साथ शेयर किया। दरअसल प्रेस वार्ता के दौरान युवराज सिंह हल्के फुल्के मस्ती के मूड में भी थे। युवराज सिंह से जब पूछा गया कि क्या वह वैरेट ली की 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद खेलने को तैयार है, तो उन्होंने कहा कि वह 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तो खेल लेंगे, लेकिन अगर ब्रैडली इतनी तेजी से गेंद फेंकेंगे तो वह नॉन स्ट्राइक एट पर खड़े होना पसंद करेंगे। बुश फायर चैरिटी के लिए आयोजित हो रहे पॉन्टिंग 11 बनाम गिलक्रिस्ट 11 मैच 10-10 ओवर का होगा। एक टीम के कप्तान रिकी पॉन्टिंग होंगे जबकि दूसरी टीम के कप्तान एडम गिलक्रिस्ट है। मैच में दोनों टीमों के लिए 5-5 ओवरों के पावर प्ले और किसी भी तरह की गेंदबाजी पर पाबंदी नहीं है। कोई भी गेंदबाज कितने भी ओवर कर सकता है। फील्डर अपनी जगह किसी और से फील्डिंग करा सकता है। दोनों टीमों के प्लेयर रिकी पॉन्टिंग प्लेयर मैथ्यू हेडन, जस्टिन लैंगर रिकी पॉन्टिंग कप्तान, एलिसे विलानी, ब्रेन लारा, होवे फोवे ली, ब्रेड हेडन, ब्रेटली, बसीम अकरम, डैन क्रिश्चियन, ब्लूक ढॉस, कोच सचिन तेंदुलकर, एडम गिलक्रिस्ट 11 प्लेइंग 11, एडम गिलक्रिस्ट, शेन वॉटसन, बैड हॉस, युवराज सिंह, एलेक्स ब्लैकवेल, एंड्रयू साइमन, कर्टनी ब्लाश, निक रिवॉल्ड, पीटर सिडल, फवाद अहमद। दोस्तों अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।